तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं रेडियाई ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम सर्कम रेडियस की बात करने वाले हैं, तो सर्कम रेडियस के ऊपर प्रॉब्लम लेते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम है इन ट्राइंगल एबीसी, इफ ए इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमको सर्कम रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो सर्कम रेडियस का आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला होता है सर्कम रेडियस के, ए बी सी डिवाइडेड बाई 4l और आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2 ऑफ साइन ए बी डिवाइडेड बाई 2 ऑफ साइन बी सी डिवाइडेड बाई 2 ऑफ साइन सी, जहाँ ए बी सी तो साइड्स होती है ट्राइंगल की और ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैपिटल ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल बी, सी के कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल सी। बेसिक जो स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइंगल की हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में या सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में, तो ये फॉर्मूला है। तो इनका यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले नोटिस करने की बात है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला की एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें एबीसी दे रखा है और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल की तलाश है ताकि हम इस फॉर्मूले का यूज करके सर्कम रेडियस निकाल सके। तो हाफ ऑफ 24 मल्टीप्लाई बाई 18 एंड 12 मल्टीप्लाई बाई 18, ए बी सी बाई 4 लगाएंगे, ए बी सी 18 24 30 को मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल 12 मल्टीप्लाई बाय 18, यहां पुट करा 18 से 18 कैंसिल 12 टू टाइम्स एंड दिस 15 आ जाएगा आंसर। इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं।